सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, नीट एंड जेई पोस्टपोनमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से अपने हक की और अपने जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का अब तक इसके ऊपर कोई भी बयान, कोई भी ऑफिशियल नोटिस और किसी भी सोर्सेज से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट कर एक और जानकारी स्टूडेंट्स को दी है, जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ आश्वासन दिख रहा है। जानकारी क्या है इसके बारे में बताऊंगा आगे की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। तो गाइस, सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा अभी ट्वीट किया गया, एक स्टूडेंट का ट्वीट था जिसको उन्होंने रीट्वीट किया है। ये स्टूडेंट ऑफ इंडिया नाम से है। तो इनके द्वारा बोला गया है कि कुछ दिन पहले एनटीए द्वारा क्या है कि आयुष का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, टेस्ट के कोर्सेज होते हैं, उनके एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन एडमिट कार्ड जारी करने के एक हफ्ते बाद भी, जब एग्ज़ाम होता उसके एक हफ्ते पहले इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। तो इनका क्वेश्चन ये है कि जब आयुष के इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा सकता है एडमिट कार्ड के रिलीज होने के बाद भी एग्ज़ाम से एक वीक पहले, तो नीट एंड जेई को क्यों नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन भी दी है, इसके साथ प्रूफ भी दिया है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट पोस्ट की एक न्यूज़ थी उसको इन्होंने साथ में अटैच किया है। तो यार, बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन बन गई है जिस कंडीशन में हम एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, तो एडमिट कार्ड रिलीज़ होना मैटर नहीं रखता। तो स्वामी जी द्वारा काफ़ी अच्छी बात बोली गई है। और यार, मामला थोड़ा पॉलिटिकल होता जा रहा है, तो किसी भी बेकार के हैशटैग्स को आप फॉलो मत कीजिएगा। जो हैशटैग चल रहे हैं उन्हीं हैशटैग को फॉलो कीजिए, जैसे कि सत्याग्रह अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड, हैशटैग नीट जेई पोस्टपोन, और भी ऐसे हैशटैग हैं। लेकिन यार, कुछ हैशटैग है जैसे कि रिज़ाइन डॉक्टर आरपी निशंक, रिज़ाइन पीएम मोदी, तो ये सिर्फ सारा का सारा पॉलिटिकल एजेंडा है, इसको आप ज़्यादा बढ़ावा ना दें, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और सब स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है गाइस, तो इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक यार एंड हैव अ नाइस डे।